पड़ोरा चौराहे पर पुलिस सहायता केंद्र का हुआ शुभारंभ। कलेक्टर एसपी सहित वरिष्ठ भाजपा नेता सीताराम रावत हुए उपस्थित। थाना प्रभारी मनीष शर्मा के नवाचार की हुई प्रशंसा। कोलारस थाने के अंतर्गत आने वाले हाईवे किनारे स्थित ग्राम पडोरा पर कलेक्टर रविंद्र चौधरी एसपी राजेश सिंह की उपस्थिति में पुलिस सहायता केंद्र का शुभारंभ हुआ। ज्ञात हो कि पड़ोरा चौराहा एक ऐसा स्थल है जहां से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बंबई जाने के लिए हाईवे निकलता है। हालांकि सहायता केंद्र न होने पर भी इस ग्राम के सिंधिया निष्ठ और भाजपा के बड़े नेता सीताराम रावत हर तरह से वर्षों से पुलिस प्रशासन की मदद करते रहे हैं। कोई भी अपराध, दुर्घटना, पशु तस्करी को रोकने में पुलिस प्रशासन को सीताराम रावत परिवार, जिन्हें पटेल परिवार के नाम से जाना जाता है, आपको बता दें कि सहयोग करते रहते हैं। उन्हीं के इसी सहयोग के कारण सहायता केंद्र शुभारंभ के समय एसपी राजेश सिंह द्वारा उन्हीं से फीता कटवाया और उनका माल्यार्पण कर सब ने उनकी प्रशंसा की। थाना प्रभारी मनीष शर्मा काफी समय से पड़ोरा चौराहे पर पुलिस सहायता केंद्र के लिए प्रयासरत थे। एसडीओपी विजय सिंह यादव के सहयोग और एसपी राजेश सिंह के निर्देश पर आखिरकार उन्हें सफलता मिल गई। उन्होंने कहा कि पड़ोरा पर सहायता केंद्र स्थापित होने से अपराध, दुर्घटना, नशीले पदार्थों की तस्करी, पशु तस्करी पर पूरी नजर रखी जा सकेगी और सब पर अंकुश लगेगा। इसके लिए हर एसपी महोदय के आभारी रहेंगे। ये थोड़ा सा कोलारस थाने का क्षेत्र है और यहाँ पे दो बड़े हाईवे जाते हैं, कोटा वाला भी जाता है और दूसरा हमारा मेन ग्वालियर वाला भी जाता है। तो कई बार बदमाशों का आना जाना भी यहाँ पे देखने में आता है, थाने से दूरी भी पड़ जाती है। तो यहाँ पुलिस की प्रेजेंस के लिए एक सहायता केंद्र की बहुत आवश्यकता थी। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे सीताराम रावत जी का, भूपेंद्र रावत जी का, यशपाल रावत जी, पिया गोयल वगैरह, ये सब हमारे यहाँ के जो लोग हैं, इन्होंने मिलकर आज सहायता केंद्र यहाँ चालू करवाया है। यहाँ की पुलिस की प्रेजेंस रहेगी और हम इसको और अच्छा करेंगे ताकि यहाँ पर लगातार पुलिस की प्रेजेंस से जो अपराधों का हो उसकी भी दिक्कत ना हो, कभी कभार एक्सीडेंट वगैरह जो भी होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं रोड साइड में, उसको भी तत्काल अटेंड किया जा सके। सर कितने लोग यहाँ पर स्टाफ के रूप में तैनात रहेंगे? अभी तो फिलहाल हम लोग 3 आदमी लगाएंगे, उसके बाद उसकी व्यवस्था और बढ़ाएंगे।